हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शिवांगी जायसवाल पुरोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। नहीं तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये चैनल इतना अच्छा कर पाएगा। 700 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत कम पोस्ट डाला है। एक्चुअली मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालती थी, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं डेली व्लॉग के साथ साथ एक बड़े वीडियोस भी डालूँ और आप मुझे उसमें भी प्यार दें। तो मुझे सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं बता दूँ, आज हूँ मैं मुंबई में और मुंबई में मैं आपको ले जा रही हूँ फिल्म सिटी में। हम आज जाएंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पे, और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ, मैं हूँ अभी ऋषभ के फ्लैट में। यहाँ मैं आई थी मैं अपने काम के लिए, मेरा मीटिंग था मुंबई में एक्चुअली 2 दिन का, तो मैं यहाँ 2 दिन रुकी और 1 दिन का मैंने लीव लिया सैटरडे का, ताकि मैं थोड़ा घूम फिर सकूँ, थोड़ा मिल सकूँ। क्योंकि इनका स्केड्यूल इतना हेक्टिक होता है, इतना हेक्टिक होता है कि अगर आपको इनसे मिलना है तो आपको थोड़ा अपना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं पहले भी गई थी ये रिश्ता के सेट पे, मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, आप चेक कर सकते हो मेरे डेली व्लॉग में। बट इसी के साथ आज मैं एक बड़ा व्लॉग बना रही हूँ, देखती हूँ वहाँ कौन कौन आया है, क्योंकि आज बहुत सारे सीनियर एक्टर्स नहीं आने वाले हैं सेट पे। आज उनकी शूटिंग जो स्केड्यूल है वो अलग है, पर देखते हैं जो भी है। आज आपको सेट भी दिखाएंगे, लोगों से भी मिलवाएंगे। ओके, मिलते हैं, बाय। अब इस तरह लेके मैं आ गई हूँ सेट पे, चलिए चलते हैं अंदर। मैं आ गई हूँ सेट पे, चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको सेट कैसा है। बहुत अंधेरा है, दिखेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शूट नहीं हो रहा है। अगर आप ये देख सकते हो सेट, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि पुराना जो रिश्ता था, ये रिश्ता का सेट है ये। अभी तो जो पोद्दार फैमिली आ गई है, वहाँ पर कुछ और सीन है, हम दिखाते हैं आपको कि वो सीन क्या है। तो ये है ऋषभ का रूम और आ गई हूँ मैं, थोड़ी लेट हो गई हूँ, फटाफट मिल लेती हूँ क्योंकि मुझे एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। मेन है जहाँ पे होता है ये रिश्ता का शूटिंग, और यहाँ ये लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, जैसे कि आप देख सकते हो। आराम आराम। कैसा लग रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता? पानी आ गया, देख लीजिए, पानी पीजिए। लेडीज फर्स्ट। हां तो तुम क्यों पी रहे हो? इतना भरा है, कपड़े में गिर जाएगा। पीना आना चाहिए, ठीक है? ये देखो, हम पी लेंगे। ठीक है, दिखाओ, पी के दिखाओ। मैं पी लूंगा, ये देख, ये गंदे बच्चों वाले काम। आपको भी जुड़ना चलो। 2000 years later. पीना आना चाहिए। हाँ, मैं मेकअप नहीं करता, मेरे पानी। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप सुंदर नहीं हो नेचुरल? यानी तुम भी सुंदर नहीं हो नेचुरल? नहीं, मेरे को तो बोलना ही जाता है। मेरे को तो ऐसा बोलने वाले बोल दिया। हाँ, नहीं, हमको तो बोलते ही हो ना, इसके लिए हम भी आपको चिढ़ा रहे हैं। ये देखो, ऑफसेट हमारे क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको लग रहा होगा हम कितने मैच्योर एकदम एक्टर की तरह बैठ गए। आर्ग्यूमेंट साल का है, मुझसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट भी तो करते हैं। क्या कैसे करते हैं मैच्योरिटी एक्ट? क्या कैसे करते हैं? क्या बोले? वो पता ही नहीं, तो पानी नहीं बेटा, पानी। मैच्योरिटी एक्सेप्ट करते, 15 साल का है भी तो, इससे भी क्या तुम्हें छोटी बच्ची कह रहा है ये? इससे बड़ी हूं गाइस मैं तो। यू आर कंपेयरिंग उनके हिसाब से दोनों बच्चे ना, और मेरे हिसाब से फिर मैं क्या बात करूँ? मेरे हिसाब से मुझे ये भी बच्चे लगते हैं, मैंने कभी बोला? मेरे हिसाब से मैं क्या बोलूँ, ये सब बच्चे हैं। की बड़ी दीदी अब तो ज्यादा हो गया। थोड़ा सुनाया करो ना अपने भाई को। वो ही मेरे को सुना देता है। सुधारू? वो कितनों को सुधार दिया भाई हमारे यहाँ बनारस में। क्या सेम एक्सेंट है ना दोनों की? बिल्कुल सेम एक्सेंट है, सेम एक्सेंट है। पानी पी रहे, सुस्तू कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे।
कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे यार ब्यूटी टिप्स लीजिए आप इनसे, ये दिन भर पानी पी रही है और सुसु कर रही है। करे भैया बताओ, लड़कियों का यही प्रॉब्लम है वैसे भी। कल हम पलक के साथ गए थे, वो भी यही कर रही थी, पानी पी रही थी, सुसु कर रही थी। लंच लेके नहीं आते तो? अच्छा नाटक कर रहे हो? एकदम प्योर वेज तो घर में ही नहीं बनता भाई, ये प्योर वेज खाते हैं हम, नॉन वेज। अच्छा हम इनका वेज खा ही नहीं पाते, हम सिर्फ नॉन वेज खाते हैं ना, तो वेज लाते हम खा ही नहीं पाते। ग्रीन पहनते हैं, शाबाश बेटा, ग्रीन खाता है ग्रीन पहनता है, वाह वाह। अच्छी बात है, आगे हाय गाइस, आज सेट पे मैंने पूरा दिन बिता लिया है, अब मुझे एयरपोर्ट के लिए जाना है, तो मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा रहा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा था एक्सपीरियंस। इसी के साथ आप जो भी मेरा व्लॉग चल रहा है या जो भी है, मुझे बताइएगा कि मैं और कहाँ जाऊँ मुंबई में, और कौन सा एस्पेक्ट दिखाऊँ उन लोगों का जो आप देखना चाहते हैं। ये देखिए, ये बैक एंड टीम है, हमारी शूट हो रही है, मुझे पेटी नजर नहीं आ रही है, और ये रिश्ता का सेट है। फाइनली हॉलीडे ओवर हो चुका है, यहाँ चार दिन मुंबई में भी ख़त्म हो चुके हैं, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि अप्रैल कहाँ चला गया। 4 तारीख को मैं पैकिंग कर रही थी, 5 को मैं निकल गई, और आज कट्टो मुंबई आ गई हूँ। 12-13 दिन 14 दिन, आई डोंट नो कितने दिन बीत गए, और आज 20 तारीख 21 तारीख भी हो गए, 21 तारीख है आज, तो मैं आज शूट कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं, कल मैं बैक टू पवेलियन अपने नागपुर में, बैक टू माई वर्क, बैक टू एवरीथिंग। तो बस इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप भी काम करें और आपको टाइम का पता ही न चले, क्योंकि जो घर पे बैठा हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। मुझे वापस से विंडो सीट मिल गई है। इस बार मैंने जितनी बार फ्लाइट में आई हूँ, वैसे भी मेरे साथ पहले भी होता था, मैं जितनी बार भी फ्लाइट पे आती थी मुझे विंडो सीट ज़रूर मिल जाती थी। अब मैं जा रही हूँ नागपुर, और यहाँ से मेरे 12-13 दिन का जो हॉलीडे प्लस मीटिंग प्लस जो भी आप बोलोगे वो सफ़र ख़त्म हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ नागपुर। कल से मैं अपने काम पर लगूँगी, फिर मिलते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।